हेलो विजय जी। हेलो सर, क्या हाल हैं? बस बढ़िया सर, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू क्लैपट्रैप। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जी जी। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग। हाँ सर, काफ़ी टाइम। मेरे ख्याल से कोविड से पहले ही हम लोग मिले थे। बिल्कुल सर, कोविड से पहले ही हम शायद मिले थे जी। तो बस उसी दौरान हमसे, मतलब हमारी आपसे मुलाकात हुई थी। जी जी जी। तो हमारे व्यूअर्स को बता दें कि क्लैपट्रैप की शुरुआत के दिनों में आपका साथ बहुत रहा। जी जी। इनफैक्ट हमें याद है कि इनिशियल जो हमने 5 वीडियो किए थे उनमें से एक वीडियो आपके साथ था। बिल्कुल सर। ओके, सो वी ऑलवेज एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड। बहुत बहुत शुक्रिया आप क्लैपट्रैप को सपोर्ट करने के लिए। जी जी। तो हमारे व्यूअर्स के लिए अब वहीं से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं कि स्टोर का नाम क्या है और क्या क्या चीज़ में हम डील करते हैं। ठीक है सर, एक्चुअली मैं विजय और मैं वुड विले फर्नीचर हमारे शोरूम का नेम है जी, जो कि लोकेटेड है ईस्ट दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली नियर प्रीत विहार एंड निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन। बेसिकली हमारा जो काम है वो, मतलब इंडियन सॉलिड फर्नीचर का हमारा काम है। तो हमारा जो फर्नीचर हम जिस तरह का बनाते हैं, बेसिकली हमारा वेस्टर्न और मतलब रॉयल एंड रिच हमारा फर्नीचर होता है। तो टोटली वैसे तो हमारा जो काम है वो कस्टमाइज फर्नीचर हम बनाते हैं। अच्छा जी। तो जैसे कई मॉडल्स ऐसे हैं जो पिछली वीडियो में हमने कवर किए थे, बट अब जो हम वीडियो कर रहे हैं उसमें वो कई मॉडल हमने अपडेट किए हैं, नए डिज़ाइन लॉन्च किए हैं, तो वो हम आपको आज दिखाने वाले हैं वीडियो में। श्योर विजय जी, हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जी, जब हम प्रोडक्ट दिखाना शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बेड्स दिखाने वाले हैं। बिल्कुल। फिर हम कुछ कंसोल्स भी दिखाएंगे। बिल्कुल सर, कंसोल हैं, बेड्स हैं और उसके बाद फिर बेडरूम चेयर्स हैं। अच्छा, हम आपको आज दिखाएंगे। ठीक है, डन। तो स्टैंडर्ड एक बार हम वो सेट कर दें हमारे बेड्स के। हमारे पास, क्योंकि वैसे तो आप कस्टमाइजेशन में हैं मेनली, किंग साइज, क्वीन साइज, सेमी क्वीन साइज सब बना देते हैं आप। ठीक है, और विद बॉक्स, विदाउट बॉक्स, सब कुछ बनाते हैं सर। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो काम है टोटली कस्टमाइज फर्नीचर। क्योंकि कस्टमाइज फर्नीचर में क्या होता है कि जैसी कस्टमर की डिमांड है, जैसी कस्टमर की नीड है, हम उस हिसाब से बना देते हैं। वो बेस्ट रहता है कि कस्टमर जैसे चाहता है, कोई जैसे अपने हिसाब से कलर लगाना, अपने जहाँ से हिसाब से अपनी पॉलिसी चेंज करना, या फिर उसको बॉक्स पार्ट में कुछ चेंज करना है, साइजिंग में चेंज करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर देते हैं। तो मतलब यहाँ पे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको मिल जाएगा। ओके जी। जैसे वेरिएबल्स का मार्केट देखें ना अभी हम, क्लोथिंग का मार्केट जो है, उसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा परवाह नहीं होती और वो किसी भी तरह की क्लोथिंग खरीद के पहन लेते हैं, वो भी ठीक है अपनी जगह। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो लोग, ये वो लोग हो गए जो फर्नीचर मार्केट से जाते हैं, उठा के ले आते हैं और घर पे रखते हैं जी। ये वो लोग हो गए। दूसरे वो लोग होते हैं जो शायद आपकी तरह स्टाइलिश होते हैं, मेरी तरह नहीं होते वो और वो चाहते हैं कि उनका एवरीथिंग हैज़ टू बी इन प्लेस, एवरीथिंग हैज़ टू बी इंटैक्ट, एवरीथिंग लुक्स क्लासी एंड ब्यूटीफुल एंड इट शुड बी सूटेड टू देयर स्किन कलर, स्किन टोन एंड देयर बॉडी। तो ये आपके जैसे लोग होते हैं कि भाई कस्टमाइज कराना है हमें, बिल्कुल मेरी शर्ट मेरे शरीर के हिसाब से, मेरी स्किन के कलर से उसके कलर्स मैच होते हों, मेरी ज़रूरत के हिसाब से उनका फैब्रिक हो, राइट। तो ये वो लोग हैं जो कि कस्टमाइज फर्नीचर कराते हैं, राइट सर। मैं बिल्कुल सर, जैसे मैंने अभी अपना घर में जो भी फर्नीचर डाला है, हाँ। तो मैंने भी अपने रूम के हिसाब से उसको बनाया है। अच्छा। कि जैसे ज़्यादा होच पोच ना हो, जो वॉल है उस वॉल के हिसाब से कितना साइज सूट करेगा, हमने उस हिसाब से बनाया है। तो वैसे ही कस्टमर की नीड होती है, तो हम ये बताना चाहते हैं कस्टमर को, क्योंकि हमारे यहाँ आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि हमारा जो काम है ये सब हमारी यूनिट पे बनता है। हमारा बेसिकली होता क्या है कि कई लोग ट्रेडिंग करते हैं, इम्पोर्टेड फर्नीचर लेते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा कोई रोल नहीं है। हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद अपनी फैक्ट्री में बनवाते हैं, पॉलिश करवाते हैं, फिर हम डिस्प्ले करके कस्टमर को दे देते हैं। वो हमने एक बार विजिट भी किया था। बिल्कुल है ना। तो आप, यू आर अ मैन हु इज लीडिंग अ वेरी मेट्रोसेक्सुअल लाइफ, यानी कि आप बड़ी स्टाइलिश जिंदगी जीते हैं, इसका मतलब। जी जी। आई डिडंट नो दिस। अच्छा, ओके। चलिए, लेट्स नॉट कट द स्लाइस ऑफ जोक नाउ। अब हमारे व्यूअर्स जो जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं वो दिखाते हैं, बेड से स्टार्ट करते हैं। सर, हम इस बेड से स्टार्ट करेंगे। ओके। ये वाला बेड है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो बेड है बेसिकली ये डिज़ाइनर बेड है। ये मैंने आपको, मैं एक बात ये बता देता हूँ कि ये हम लास्ट टू लास्ट वीडियो में बेड्स की हमारी वीडियो थी, हम उसमें इस तरह का बेड हम कुछ शूट कर चुके हैं, बट लेकिन हमने इस बार कुछ इसमें कुछ नए चेंज किए हैं। जैसे एसएस की स्ट्रिप डाल दी, कुल्टिंग चेंज करके लगाई है। अच्छा। इसमें जो इसकी जो शेल्फ है, मतलब साइड टेबल्स जो हैं इसकी, बेसिकली ये साइड टेबल जो है इसके हेड साइड से सेपरेट है। अभी हमने इसको पीछे से इसमें फिटिंग किया हुआ है, बट ये है साइड टेबल सेपरेट। तो उसमें जैसे शेल्फ डबल कलर में दे दिया, इसमें जो है ये मेटालिक
दिस मेटालिक लाइट शेड एंड डार्क शेड ग्रे। इसमें फिर हमने एक ग्रे, इसमें एक ड्रॉर दे दिया डिजाइनर ड्रॉर। इसमें अच्छा। जो हम चैनल्स हमने जो यूज़ किया हुआ है, हैटिक चैनल्स हैं, ब्रांडेड होता है, वो स्मूथ चलेगा, बहुत ड्यूरेबल भी रहता है इसमें। अच्छा जी सर। और ये कंप्लीट बेड है टू साइड टेबल्स के साथ। और इसमें हमने चेंज किया है, कस्टमाइजेशन हमने इसमें ये किया कि जैसे इसका जो बॉक्स के नीचे का पार्ट है वो हमने अंदर से ओपन कर दिया है। वो हमने इसलिए किया है कि उसके नीचे जैसे कस्टमर अगर की नीड है कि वो नीचे लाइटिंग चाहता है, तो हमने इसमें लाइट का ऑप्शन, इसमें प्रोविजन नीचे दे दिया है। अच्छा ठीक। और है। इसमें क्या है कि कस्टमर की नीड ये थी कि उनको उनको बॉक्स के साथ साथ उनको ड्रॉर भी चाहिए। जैसे के लिए होता क्या है, बेसिकली घर में लेडीज़ होती हैं, तो लेडीज़ ने जैसे बेडशीट चेंज करनी है, कुछ करना है, तो लेडीज़ एकदम से बॉक्स पार्ट नहीं उठा पाती, उसका फ्लैप ओपन खोलने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो हमने इसमें एक ड्रॉर का ऑप्शन दे दिया है, फ्रंट से ड्रॉर, ये देखिए एक ये ड्रॉर पूरा खुलता है, काफ़ी बड़ा ड्रॉर है और हैटिक चैनल के ऊपर चल रहा है। एक ये ड्रॉर है, एक ये ड्रॉर। ओके जी ठीक है। और बाकी पार्ट में हमने क्या किया? वो बॉक्स है सर। अच्छा, उसमें ऊपर से फ्लैप दिया हुआ है, अगर उनको उसमें जैसे अपना सूटकेस वगैरह या हो गया कंबल्स और ब्लैंकेट्स वगैरह जो है वो उसमें आ जाते हैं। ठीक है। और ये इजीली बिल्कुल बंद हो जाता है, ये वाला बेड है। पॉलिश जो इसकी है हाई ग्लॉस पीयू मेटालिक, ठीक है, मेटालिक फिनिश है इसमें। आपको आप क्लोज से देखेंगे तो ये बिल्कुल शिमरिंग इसकी लुक है, मतलब इसकी जो फील आएगा बहुत बेटर फील है इसका। बेसिकली बहुत ग्रेसफुल बेड है ये। ठीक है, मैं वेट कर रहा था, आप ब्रीफिंग दे रहे थे। अच्छा हाँ। तो मैं सुन रहा था, बहुत इन्जॉय कर रहा था। ये बहुत अच्छा है, इस कलर इज वेरी डिफरेंट है, आप चाहे तो इनको किसी भी कलर में करा सकते हैं। किंग साइज है ये अभी? इंडियन किंग साइज है। अच्छा, इंडियन किंग साइज है। क्या प्राइस रखा हमने इसका? प्राइस सर हमने रखा है 84,000। ओके जी ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स पॉलिश की वजह से विद टू साइड टेबल्स। और अच्छी बात मुझे, ओके विद टू साइड टेबल्स, और कॉर्नर जो है इसके शार्प नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सेफ है, है ना, ये लगता नहीं है ज्यादा। ठीक है, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम आपको बेड्स और दिखाने वाले हैं। अच्छा, जो हमने कुछ मॉडल्स हैं जो और भी हमने अपडेट किए हैं वो आपको दिखाएंगे। अच्छा ओके। वैसे हमारे पास ये वाला बेड है, ये बहुत खूबसूरत बेड है। इसकी जो बॉक्सिंग है आप देखिए किस तरह से डिजाइन किया हुआ, प्लेटफॉर्म टेपर ऐसे स्ट्रेट, ये फ्लोर बेड के जैसा है फ्लोर। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसमें जो कोल्टिंग का पार्ट है आप देखेंगे किस तरह से कुशनिंग, इसकी फिनिशिंग आप देखिए, कलर स्कीम, साइड टेबल बिल्कुल डिसेंट एंड यूनिक बेड है। हाँ, इसके साइड टेबल पे आपने ब्लॉक्स दिए हुए हैं जो कि आपके हेडबोर्ड से पूरा मैच हो जाते हैं। बिल्कुल सर। फॉर अ मोमेंट ऐसा लगता है कि पूरा एक ही हेडबोर्ड है ये, बट ये है सेपरेट साइड टेबल। ठीक है, और उसमें भी टेक्सचर है थोड़ा सा ब्राउन का फिनिश। मैं आपको बता भी देता हूँ, जो हमने इसमें स्टफ यूज किया हुआ है ये है इटालियन स्वीट लेदर। अच्छा हाँ, ये बेसिकली ये कोई लोकल शोरूम का स्वीट नहीं है, ये मतलब इम्पोर्टेड है। ये सब जो हम जिस रेंज का लगा रहे हैं, मतलब ये 850-950 पर मीटर की रेंज का इसमें हमने स्वीट लगाया। ओके ठीक है, इजी टू मेंटेन है ना? इजी टू मेंटेन है, गीला कपड़ा हमारा साफ। अच्छा ठीक है, ये हाई ग्लॉस में है, इसके जो स्टोरेज जो है वो साइड टेबल में ज़्यादा है। ये इसमें कौन सा स्टोरेज दिया हुआ है आपने? सर ये मैनुअली खुलने वाला ऊपर से स्टोरेज है, लेफ्ट राइट है? हाँ, लेफ्ट और राइट। अच्छा ठीक है। किंग साइज है ये? इंडियन किंग साइज है। कितने का है ये वाला? 59,000 ओनली। ठीक है जी। ओह, ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव है ये। हाँ, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, सुंदर भी बेड है ये। अब उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा कलरफुल देखना चाहते हैं, है ना, ये उनके लिए। ओके, इसका हम अगर आप देखें तो ये जो डिज़ाइन एंड पैटर्न है आपने उसमें क्रिएटिविटी की है। जी जी। बट अदरवाइज आप देखें तो जो हेडबोर्ड कुशन वाले हैं ये इन है आजकल, क्योंकि लोगों को अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के डिज़ाइन बनाने में अच्छा जी लगता है। जी जी। वो चाहते हैं कि एक उनके घर में ओपुलेंस यानी कि वेल्थ या फिर एक शाइन हो, एक रिचनेस हो। बिल्कुल सर। उसके लिए 100% अपहोल्स्ट्री के बेड्स बड़े काम आते हैं। जी जी। और अच्छा आपने ये किया है, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किए बिना कि साइड टेबल्स को बीच में गैप छोड़ा है, ताकि आपको लगता है कि स्पेस है। इसका जो पॉलिश है ग्रूविंग बहुत अच्छी है, और इसमें एसएससी प्लेट है भी टच दिया हुआ। जी, थोड़ा सा ब्रीफिंग हमने आपकी परमिशन के बिना दे दी। जी जी। अब आप बताएं। ये देखिए सर, ये जो उसका ये जो हेड साइड है, हाँ, आपको लगेगा पूरा सिंगल पार्ट है, हाँ, बट ये सिंगल पार्ट नहीं। अच्छा, है ये भी ये सेपरेट है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे हमारे यहाँ तो पूरा फुल स्पेस है, तो हम तो उसको लिफ्टर हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं, बट लेकिन जहाँ जाना है जैसे किसी का फर्स्ट फ्लोर है, किसी का सेकंड फ्लोर है, तो वहाँ तक चढ़ाने में थोड़ी दिक्कत ना आए, हमने इसलिए जो है ये सेपरेट है। आप देखेंगे ये सेपरेट पार्ट है, अभी अच्छा, इसको अभी हमने पीछे से इसको स्क्रू किया हुआ है, जब ये जाएगा तो खुलकर जाएगा, ये जो पार्ट है ये अलग हो जाएगा। ये डबल, इसमें डबल कलर हमने इसमें ऐड किया है, वॉलनट एंड इसमें जो कॉफी शेड हमने इसमें ऐड करके, और विद ग्रूव के साथ एसएस की स्टील हमने मैच कर दिया। अच्छा हाँ जी ठीक है, ये भी अच्छा है। आप चाहें इसमें नीचे बफर्स भी लगे? हाँ, बफर्स लगे हुए हैं सर इसमें। ओके। और इसका जो स्टोरेज है विद स्टोरेज, इसमें
और क्वालिटी सारा वुडन बोर्ड में बनता है, कोई इसमें MDF का कोई यूज़ नहीं है, सॉलिड हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है विद गारंटी 5 ईयर्स। ठीक है, क्या प्राइस रखा है इसका? इसका 69,000 ओनली। ओके, ठीक है। ये हमने कुछ एक्सपीरियंस कर लिए, मतलब कुछ बेड्स हैं जो हमने आपके पास एक्सपीरियंस कर लिए, और अब हम देख रहे हैं एक ट्रेंड आपके साथ स्टार्ट होता जा रहा है, एक नया कल्चर स्टार्ट हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहे हैं अभी बाकी लोगों की तरह अभी सो फार, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि लोग कस्टमाइज कराते हैं तो आप पहले से बना के ना रखें, इमेजेस लाएं और अपने हिसाब से बनवा लें। ठीक है, वैसे बेड्स और भी हैं बहुत सारे बेड्स हैं सर, कस्टमर के जैसे अगर उनके पास कोई भी अपने डिजाइन हैं हाँ, वो भी हमसे बना देते हैं हाँ, वो भी अच्छी क्वालिटी में अच्छे प्राइस में बना कर दे देंगे। ठीक है, और हम अब क्या देखने वाले? हम सर आपको दिखाएंगे बोर्ड डिजाइनर कंसोल। डिजाइनर कंसोल, चलिए वहाँ चलते हैं फिर बात करेंगे डिजाइनर कंसोल्स होते क्या हैं। जी चलो, ऑल राइट, सो नाइस। ओके, कहाँ पे आ गए अभी हम? सर ये हम आ गए हैं कंसोल यूनिट पर। अच्छा, ये कंसोल यूनिट है, ये हमने बनाया है, ये हमारी इंडियन अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ये हमने डिज़ाइन जो है इंटरनेट से लिया है। अच्छा, और इसको हमने इंडियन मेड करके बना दिया, ये सब हमारी फैक्ट्री का बना पीस है। इसमें देखिए डिज़ाइनर्स में ड्रॉर्स हैं, फाइव ड्रॉर्स हैं, टू एक साइड एंड सेंटर में एक 20 ड्रॉर्स, और इसमें स्टूल आ गया राउंड पफी। अच्छा जी, ठीक है, एसएस के साथ है, इसमें हमने रोज गोल्ड का एसएस का टच दिया है। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं सोचा था आप और ब्रीफिंग देंगे फिर मैं देता हूँ। अच्छा, कुछ ओके, नहीं इट्स ऑन, डेफिनेटली ऑन। अब आप, मैं बता दूँ इसके बारे में थोड़ा सा? बताओ। विजय जी, जैसे ही ये हमने वीडियो ऑन किया था तो क्योंकि ये वाइट के साथ में रखा हुआ है तो मुझे लगा था कि ये कलर इतना डिफरेंट कैसे है, मतलब क्या इसकी वाइटनेस में थोड़ी कमी रह गई, ये थोड़ा पीलापन क्यों है इसमें? बट देन थोड़ी देर बैठने के बाद मुझे रियलाइज हुआ, स्पेशली व्हेन आई स्टार्टेड नोटिसिंग इन कॉन्ट्रास्ट विद रोज गोल्ड, देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग स्लोली दैट दिस कलर एक्चुअली इज नॉट डिफॉर्मड वाइट, इट इज नॉट that somebody wanted to make it white but it has turned out to be little cappuccino but actually this is more like a cappuccino, lighter shade of coffee, lighter shade coffee, right? Okay, coffee shade, light coffee shade. This is not, this is the way it is, it was demanded, this is the way it was supposed to be, this was not supposed to be white, right? And white agar dekhe to this is the way white should will look like, agar white karenge to aisa dikhai dega. Basically ye white proper white nahi hai, ये ऑफ वाइट है। अच्छा, ये वाइट है, इससे भी वाइट हो जाएगा, इससे भी वाइट हो जाएगा, वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा मेरे ख्याल से, बट ऑफ वाइट की ज्यादा ग्रेस आती है। ऑफ वाइट, सो आई एम कंपेयरिंग दिस फॉर द कलर रेफरेंस, दैट प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड, दिस इज द काइंड ऑफ कलर कस्टमर डिमांडेड, उनकी जरूरत ही इस कलर की थी, ये रंग की उनकी जरूरत थी, बिल्कुल, तो उन्होंने ये वाला वाइट ना करा के उन्होंने ये कलर कराया, बिकॉज दिस गोज वेरी वेल इन देयर स्कीम। इसको आप, ये एक यूनिट है, अब इसकी यूटिलिटी बता दें क्विकली, सर ये हटा दें जरा, ये एक तरह का कंसोल है जो मल्टीपल यूटिलिटी के साथ में मुझे लगता है बना हुआ है, आपके फॉयर के लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज समटाइम्स फॉयर एंट्री, हाँ फॉयर एरिया के लिए, वहाँ पे आप रख सकते हैं इसको, यू कैन कीप इट इन दी बेडरूम एज वेल, जहाँ पे इसके ऊपर आप एक ड्रेसर बना सकते हैं इसको, इसका एक मैचिंग मिरर लगा के, एट द सेम टाइम आप इसको एज अ ड्राॅइंग रूम में भी अगर आप कंसोल बनाते हैं उसके ऊपर एक लैम्प शेड वगैरह कुछ रखना चाहते हैं तो दिस विल ऐड वैल्यू। इसके जो फोर लेग्ड हैं बेसिकली इट इज़ कीपिंग द यूनिट सस्पेंडेड इन द एयर, तो ये बहुत हैवी और बल्कि नहीं दिख रहा है, I like it the way it is, बहुत अच्छा है, and the color is also very nice. And if you want to play with two colors, maybe you can play with light pistachio green or maybe black and white. You can play with two different colors. This will look very nice. This is looking good. But imagine अगर ये black and white होता तो अलग scheme दिखता, अलग scheme है, green and white होता तो अलग ही color में दिखता है ना, जी जी, बहुत खूबसूरत दिखता है ये, this and this color itself is very beautiful. वो तो सर जैसे कस्टमर की डिमांड होगी हम वैसे बना देंगे, उस कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ले लेंगे। वो हमने शुरू में बात की थी ना कि हर इंसान अपनी बॉडी के हिसाब से अपने कपड़े सिलवाता है, बिल्कुल, सो दिस गोज ऑन हिज बॉडी, है ना, बिल्कुल राइट ना, राइट, वेरी ब्यूटीफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पूरा का पूरा। ये इसका साइज बता दें और प्राइस बता दें। सर इसका जो साइज है 4 फीट का है और इसकी जो हाइट है वो 3 फीट की है। ओके, इसमें 5 ड्रॉर है विद पफी रोज गोल्ड के साथ, ये मैं आपको बताता हूँ 36,500 का। ओके ठीक है, 36,500 जी, दिस इज कमिंग फॉर 36,500। आई हैव टोल्ड यू द यूटिलिटी ऑल्सो, आई डोंट नो व्हाट इज दिस पफी इज मेड फॉर, जी जी, मे बी वो एज अ ड्रेसर आप इसको इस्तेमाल करना चाह रहे होंगे इसलिए बनाया होगा, बट जिन्होंने भी ये बनवाया बहुत अच्छा है, राइट, दिस वन मोर यूनिट वो मुझे अट्रैक्ट कर रही है बिकॉज ब्लैक इज माई फेवरेट कलर,
बहुत प्यारा ब्लैक है ये बहुत अच्छा है। ये इसकी भी मल्टीपल यूटिलिटी है? बिल्कुल सर, सेम जैसे ये भी कंसोल ही है, बट ये कलर थोड़ा डिफरेंट है। इसमें जो हमने ये कलर यूज किया है ये ब्लैक एंड ग्रीन, इसमें भी शूल है, ये बेसिकली टू पार्ट में है। अच्छा, ये एल शेप है, ये ऊपर का पार्ट जो है ये अलग है लेग्स के साथ, जो ये वाला पोर्शन है वो अलग चेस्टर है। डिटैचेबल है वो? डिटैचेबल है। अच्छा, एक बार आप लिफ्ट करके दिखाइए। बिल्कुल, जैसे ये अगर इसको आप हटा देंगे ऊपर से तो ये हट जाएगा। ओह अच्छा, इस टाइप से। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। बस आपको सिर्फ एक डिफिकल्टी आएगी, जब भी आप इसको मूव करेंगे तो आपको ये वाले पार्ट को पकड़ के रखना पड़ेगा। बेसिकली सर इसका डिजाइनिंग ही इस हिसाब से बना हुआ। अच्छा, हम इसको, तो उसको फिक्स हम इसको सकते? फिक्स कर सकते हैं, बट लेकिन जिस ताकि मतलब हमने इसको मतलब जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी वो बेसिकली इसी तरह से थी। अच्छा, तो हमने उनको उसी तरह से बना के दिया। ठीक है, इसमें तीन लेफ्ट साइड ड्रॉअर है, ऊपर दो ड्रॉअर है, ये भी वुड में है, इसके अंदर भी हाई ग्लॉस है, हमने क्लाइडिंग की हुई है। क्लाइडिंग है उसमें, ये मुझे थोड़ा स्टडी का लुक देता है, पर आप इसे एज अ ड्रेसर भी यूज कर सकते हैं ना। जी जी, इट कम्स अलोंग विद द स्टूल। अगर आपको स्टडी यूज करना है तो उसकी हाइट हम कम कर देंगे। हाँ, थोड़ी क्योंकि अभी जो इसकी हाइट है ये, क्योंकि जो स्टडी की हाइट जो होती है स्टैंडर्ड 30 इंच होती है, इसकी जो है 36 है। अच्छा ठीक है, क्या प्राइस रखा हमने इसका? सर इसका भी सेम 36,500। ओके डन। एक और चीज़ है जो मुझे आपसे जाननी थी कि ये क्या है इतना लंबा हम देख रहे हैं ये? सर देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि हमारा जो काम बेसिकली टोटली कस्टमाइज फर्नीचर, हम टोटली कस्टमाइज आइटम बनाते हैं। ओके, तो किसी भी तरह की कोई भी आइटम हो हम उसको बना देते हैं। तो जैसे अभी जिस पार्टी का हमने ये आइटम बनाया है, ये बेसिकली उनका एक ड्राइंग रूम का एक यूनिट है, ये हमने इसको वॉल पे अटैच करना है, फिक्स्ड करना है। टीवी यूनिट है ये? टीवी यूनिट है सर। अच्छा। बेसिकली इसको टीवी कंसोल आप बोल सकते हैं, कि जैसे ये मान लीजिए ये जैसे वॉल है, इस वॉल पे उनका टीवी है, और इसको हमने इस टीवी के नीचे एज ए कंसोल फिट करना है। इसके पीछे जो है फास्टनिंग होगी, ये वॉल पे फिक्स हो जाएगा। इसमें हमने तीन ड्रॉअर दिया हुआ है, एक दो थर्ड वहाँ पे। ओके, ये तीन ड्रॉअर। लवली। और इसमें देखो, और हम ये बताना चाहते हैं कि हम हमारा जो काम है हम कैसे किस तरह से फिनिशिंग हम देके बनाते हैं, क्योंकि इसमें भी मैंने एक सेंटर टेबल आपको दिखाया था, अभी इससे लास्ट जो कंसोल दिखाया था उसमें भी सेम वर्क है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो काम है हमारा सॉलिड वुड में हम ये काम करते हैं, सॉलिड वुड। अच्छा। हाँ, लकड़ी पूरी सॉलिड टीक की होगी, उसके ऊपर फिर हमने ये डिज़ाइनिंग हमने पॉलिश किया हुआ है। ओके कूल, इसके प्राइस की हम बात नहीं करेंगे। हाँ। ये इस कस्टमाइज है। इसके अलावा एक और यूनिट है जो अट्रैक्ट कर रही थी हमें, ये भी बहुत अच्छा भी कंसोल है, ये भी बहुत अच्छा कंसोल है, इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड है। बेसिकली ये प्लेन एंड सोबर है, इसमें ओरिएंटल स्लैग हैं, तीन डोर्स हैं इसके अंदर, बेसिकली डुअल टोन है। अच्छा, ये ग्रीन एंड पर्ल फिनिश। ओके ठीक है, अब हम क्या देखने जा रहे हैं? अब हम सर आपको बेडरूम्स के हिसाब से आपको चेयर्स दिखाएंगे। अच्छा, जो कि पूरा कॉन्सेप्ट होता है, जैसे बेड के साथ जो दो चेयर्स एक टेबल आ जाती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है, ये हमारा बेडरूम चेयर्स का सेटअप है। जी सर। अच्छा, ये क्या कॉन्सेप्ट है? सर कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आपने मान लीजिए ये रूम, ये बेड जो है आपके मास्टर बेडरूम का है। मास्टर बेडरूम में होता क्या है कि स्पेस अच्छा स्पेस होता है, कि जैसे आपने अपने बेड लगाया, वो बेड्स की साइड में कई लोग काउच लगाते हैं, बट काउच में क्या होता है कि वो एक बड़ा लॉन्ग पार्ट बन जाता है जिसको शिफ्ट करने में, वो फिक्स पार्ट होता है, उसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते। बेसिकली चेयर्स में क्या होता है कि आप इसको यहाँ से उठा के वहाँ भी रख सकते हैं, अगर आपने बेडरूम से ले जाकर आपने अपने ड्राइंग रूम में लगाना है, गेस्ट आ गए हैं तो वहाँ भी आप इसको लगा सकते हैं, ये वो चीज़ है। और इसकी क्वालिटी मैं आपको बताया था, बेसिकली ये सॉलिड सागवान की वुड है, लकड़ी जो है पूरी टोटल टीक वुड है, डिजाइनर चेयर्स हैं ये सारी जो लकड़ी है ये सिंगल पीस में घुली हुई है। ओह ओके, विद पीयू पॉलिश, इसमें जो फैब्रिक है तो ये जॉइंट ही होता है वुड में, ये पूरा वन सिंगल पीस में बनता है, वन साइड जॉइंट होगा, जैसे एक साइड यहाँ से निकला ये यहाँ जॉइंट है। अच्छा, हाँ जी ओके, जैसे ये जो लेग्स है ये सिंगल पीस में होगा, टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं है कि सिंगल पीस में बन जाए, है ना, क्योंकि स्प्लिट बहुत है उसमें, स्प्लिट। हाँ, इसमें गुलाई जो है ये थोड़ा सा गुलाई सिंगल पीस में, हाँ, बाकी दो लेग्स अलग अलग पीस में। ये बहुत स्टाइलिश है, अच्छा है, हाई ग्लॉस है, हाई ग्लॉस पीयू कोटिंग से। ठीक है, इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या वेलवेट है? सर इसमें स्वेट फैब्रिक हमने लगाया है। अच्छा। जो हमने लगाया इसके नीचे की जो कुशनिंग है स्लीव वेल की है। अच्छा, 40 डेंसिटी का स्लीव वेल है, और बैक में सारा हाई डेंसिटी स्लीव वेल फॉर्म है। ओके ठीक है, और ये इस कलर में अच्छा लग रहा है, बेज में भी बहुत अच्छा दिखेगा, अच्छा दिखेगा। अभी एक्चुअली क्या है, हमने ये बेड के मैचिंग के हिसाब से बना के रखा है। अच्छा। हाँ, तो अगर आप कस्टमर की नीड है कि आप उसको चेंज करके बनाना चाहते हैं, कि जैसे आपने कलर कोई अपने हिसाब से चूज करके लगाना है, तो आपको वो भी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, क्या प्राइस रखा है आपने? सर ये मैं आपको बताता हूँ, ये वैसे तो कम्प्लीट सेट हमने एज इट इज 31,000 का रखा है। अगर आप हम इसको ब्रेकअप देखते हैं तो अगर आप सिर्फ टू चेयर्स का प्राइस की बात करते हैं तो 24,000 की टू चेयर्स है। हाँ, और ये टेबल जो है ये 7,000 ईच। ओके ओके ठीक है, तो कंप्लीट सेट 31,000। ओके, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, नेक्स्ट ही सर ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है
ये ड्राइंग रूम, बेडरूम और लॉबी, ये तीन जगह के लिए हमने इसको बनाया है कि ये स्लीक मॉडल है। जैसे जैसे मैंने आपको जो पहले चेयर दिखाई थी वो थोड़ी सी ब्रॉड है, तो जैसे जहाँ स्पेस कम होता है आप उसको वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये जैसे चेयर्स हैं इसमें जो आप ये पार्ट देख रहे हैं सॉलिड वुडन का पार्ट है, और ये जो लेग है ये यहाँ से पूरा लेग पूरा सिंगल पीस में है। ये जो उसका लेग है आर्म्स एंड लेग जो है सिंगल पीस में है। ओके। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आप चेंज कर सकते हैं। कौन से वुड में? सागवान की लकड़ी, टीक वुड। अच्छा जी, वेरी नाइस। ये थोड़ा सा कर्वेशियस है, ये मेरे ख्याल से वो वाली चेयर्स की कंपैरेटिवली जी ये ज्यादा इजी होंगे, क्योंकि इसमें आर्म्स को आपको कर्व मिल रहा है। कॉम्पैक्ट भी है ये। अच्छा, कॉम्पैक्ट भी है। अच्छा जी, और उसका ग्रेस ज्यादा अच्छा है। ग्रेस इसका भी अच्छा है, बट कंफर्ट लेवल उसमें थोड़ा सा उसमें ज्यादा इसलिए आएगा क्योंकि इसकी इसकी जो बैक है वो फोमिंग है। अच्छा, इसकी जो बैक है ये वुडन में आ गया। अच्छा ठीक है। वैसे भी बेडरूम चेयर्स पे बहुत लॉन्गर सिटिंग के लिए होती नहीं है ये, थोड़ी देर के लिए आप बैठते हैं उन पे। बिल्कुल। सो दिस इज लुकिंग वेरी नाइस, ये अच्छा दिख रहा है ये भी। वो जो आपने पहले बताया था उसका प्राइस इंक्लूडिंग टेबल था, और ये भी इंक्लूडिंग टेबल बताएंगे आप हमको? जी ठीक है। ये हमारा एक विंटेज स्टाइल का सेटअप है पूरा, जो पहले चला करते थे जी जी, ये वो विंटेज है। क्या प्राइस रेंज है इसका? सर अगर इसकी हम पूरी कंप्लीट सेट की बात करें तो ये 19,000 का कंप्लीट सेट है। ऑल थ्री यूनिट्स। अगर आप इसका ब्रेकअप रखें कि जैसे दो चेयर्स आपको सेपरेट चाहिए तो 12,000 का पेयर आपको पड़ेगा। ठीक है, डन। सो बिफोर वी साइन ऑफ विजय जी, आप बता रहे थे हमको कि अब हमारे पास इसके ऑप्शन भी है हमारे पास। बिल्कुल सर जी, इसमें हम सर दो तीन ऑप्शन बनाते हैं। एक ऑप्शन मैंने आपको जो पहली चेयर दिखाई थी उसके साथ में रखा था, वो ट्रायंगल शेप में था। राइट, वो था। एक ये राउंड में ग्लास टॉप के साथ है। अगर आपको इस पे कुछ और डिफरेंट लेना है तो इसके साथ आप ये मैचिंग की भी है जो ये है राउंड में, बट उसका जो नीचे का बेस है वो डिफरेंट है। अच्छा जी, इसमें थोड़ा कार्विंग टच है। ये जो ग्लॉस है ये इसका बना रहेगा ना ऐसे? एज इट इज सर, मैं 10 साल के बाद तक भी आप ये सेम ग्लॉस आपको नजर आएगा। ठीक, क्योंकि बेसिकली हम जो इसमें केमिकल लगा रहे हैं सिरका का केमिकल है, ये बहुत अच्छी फिनिश देता है। ओके ठीक है, एक ऑप्शन ये हमारे पास अवेलेबल है, इनके प्राइस अलग अलग होंगे सबके। बिल्कुल सर, ठीक है। और राइट, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि यूनिट थोड़ी ज्यादा दिखाते हैं, इसके अलावा जो कस्टमाइजेशन होगा वो तो अलग बात ही है। ठीक है, सो टाइम टू साइन ऑफ एंड बिफोर वी से टाटा टू यू, इट्स इम्पॉर्टेंट टू मैंशन दीज इम्पॉर्टेंट थिंग्स। हम प्रेफर करेंगे आप पर्सनली स्टोर पर आएँ, इनकेस आप नहीं आ पाते तो यू कैन गेट इन टच विद विजय जी, नंबर इज बिंग फ्लैश ऑन द स्क्रीन। जो भी प्राइस आपने बोले GST एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इज नॉट इंक्लूडेड, सेपरेट होगा वो, राइट? ठीक है, बिल्कुल। और यू हैव डन थाउजेंड्स ऑफ सक्सेसफुल डिलीवरी, सब जानते हैं इस बात को, सब आपको बाई फेस जानते हैं। दिस वॉज आर सीजन 6th or 7th, आई डोंट नो, एपिसोड नंबर 2nd ऑफ द 7th सीजन। ऑल राइट, कूल। सो बिफोर वी साइन ऑफ, आप कुछ कहना चाह रहे थे व्यूअर्स को? साइन आउट करने से पहले मैं पहले जो हमारी क्लैपट्रैप फैमिली जो है जी, उनको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। अच्छा, कि हमने जहाँ जहाँ फर्नीचर भेजा है, जैसे जहाँ मतलब कहीं से भी जहाँ से हमें कॉल आते हैं, तो वो जैसे हमने से डाइनिंग टेबल लिया, बेड्स लिया, तो वो और वो हम उनको बना के भेज भी देते हैं, बिल्कुल सेफली पहुँच भी जाता है। और वो हम जो ट्रांसपोर्ट हम जो करते हैं अग्रवाल मूवर पैकर से भेजते हैं। तो बेसिकली मैं मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं उन फैमिलीज़ को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि जो हमसे जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ेंगे, क्योंकि क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा जो फर्नीचर का काम है, बेसिकली हम ये इस फील्ड में 40 ईयर से हैं, तो 40 साल हमारा हम इस काम से हम इस काम को कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हम कस्टमर को अच्छी चीज़ दे पाएँ। क्योंकि मार्केट में जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है बेसिकली सारा इम्पोर्टेड फर्नीचर है या फिर MDF का फर्नीचर है। हम जो फर्नीचर बनाते हैं सॉलिड वुडन बोर्ड में बनाते हैं, फिर हमारी पॉलिश PU कोटिंग है, तो कस्टमर जो है उनको हम अच्छी चीज़ देना चाहते हैं। तो मैं कस्टमर से यही कहूँगा कि आप उधर उधर ना जाएं, आप अच्छी चीज़ पे फोकस करें। ठीक है, बस यही मेरा हमसे कहना है। ओके, सो हमने प्रीफेस में शुरू में बताया था आपको कि वुड विलेज स्टोर के जो व्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे रहे, सक्सेसफुल डिलीवरीज रहीं, 0% कंप्लेंट रहा। सर अब मुझे एक चीज़ मुझे एक याद है, मैं थोड़ा कट करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। रिव्यूज़ की बात, एक्चुअली मैं कस्टमर से को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो चैनल है, जैसे अपना क्लैपट्रैप चैनल है, हम जैसे जहाँ जहाँ हम माल हमारा आइटम सप्लाई करते हैं, जैसे NCR के बाहर, जैसे हमारा बॉम्बे जाता है, हैदराबाद, अपना बेंगलोर, हमारा रेगुलर जाता रहता है, मेरी हफ्ते में 2-3 गाड़ी निकलती रहती हैं जी, जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कई लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल्स के ऊपर मतलब जो कमेंट्स डाले हैं वो गलत कमेंट्स डाले हुए हैं, तो मैं कस्टमर को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जिन्होंने ये कमेंट्स डाले हैं वो बेसिकली हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो वो हमारा कस्टमर से कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कस्टमर ने वो कमेंट्स डाले हैं,
वो बेसिकली कॉम्पिटिटर्स हैं जो गलत गलत कमेंट्स डाल के हमारे हमारे शोरूम का नाम खराब करना चाहते हैं। अच्छा ऐसा, मैं बहुत ज़्यादा देखा नहीं मैंने। ठीक है, तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो कमेंट्स पोस्ट किए गए हैं उनमें आपने कई बार क्वेरीज भी की हैं कि आप अपनी डिटेल दो, हम भी लोगों से पूछते हैं, औरों के बारे में भी पूछते हैं। कभी कभी देखिए ह्यूमन एरर्स होते हैं। मैं एक बार आपके बारे में नहीं, मैं जनरली सबके बारे में वाली बात कहूँगा कि हम सब इंसान हैं, मैं भी और आप भी, एंड एवरीबॉडी वॉचिंग दिस वीडियो इज़ अ ह्यूमन बींग, बिसाइड्स एल्गोरिथम ऑफ यूट्यूब इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, दैट इज़ अ ह्यूमन मैन मेड मशीन, बट आई एम सेइंग ऑल ह्यूमन बींग्स वी आर इनवेरिएबली विदाउट एनी इंटेंशंस वी समटाइम्स मेक मिस्टेक्स। कभी कभी हमसे मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी, रियली आई हैव नॉट हर्ड एनी थिंग अगेंस्ट बोटविले, देर इज़ नो कम्प्लेंट एट ऑल। इनफैक्ट जब भी कोई कंप्लेंट आती है उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद उसके ऊपर हम एक कमेंट करते हैं। आप लोग भी कमेंट करते हो, इस बात को कहते हो कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए अपनी डिटेल शेयर करें, आइदर ऑन द व्हाट्सएप और देयर ओनली, राइट द नेम, योर नंबर, लोकेशन, योर बिल कॉपी एंड एवरीथिंग। पीपल, हाफ ऑफ द पीपल डोंट रिस्पॉन्ड, ऑफकोर्स समटाइम्स दे डू। वो जो थोड़े से बच्चे जाते हैं, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, औरों के लिए कह रहा हूँ, वो जो थोड़े से एक या दो आते हैं वो कभी कभी वो ह्यूमन एरर्स की वजह से होते हैं जी। तो ज़्यादातर लोग में पेशेंस होता है, वो आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम समझते हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट वुड विले, तो सो फार देर इज़ नो कम्प्लेंट एट ऑल। और जितने भी नीचे फैब्रिकेटेड लाइज हैं, जितने भी, वो भी एक क्रिएटेड है, कस्टमाइज कमेंट्स हैं वो बिल्कुल जिस तरह से कस्टमाइज फर्नीचर होता है उसी तरह से सम ऑफ द कमेंट्स आर कस्टमाइज, कस्टमाइज टू डिफेम यू, एक बदनामी करने के लिए उनको बनाया गया जिनके पास बाद में कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है जी जी। खास तौर से कोई शारिश खान कोई खान है साहब, उनको आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम थी। सो मैं उनको फिर से कहूँगा कि आप वीडियो देखिए और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा लिखेंगे और अपना अनुभव बताएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली बताएं, विजय जी को बताएं, ठीक है ना, वहाँ भी लिखें, बिल्कुल फ्री रहिए, लिखिए, लेकिन आप सबूत के साथ लिखिए जी जी, ठीक है। ऑल राइट, सो थैंक्स अ लॉट, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू।